करना स्टार्ट किया। और जब मैं यूज की, पहले तो एक आदत नहीं बनी थी, लेकिन आज तो आदत भी बन गई है कि मैं पहले उठ के पहला मॉर्निंग में पत्ते तोड़ के उबालती हूँ पानी में, पानी से, और उस पानी को मैं पीती हूँ। गर्म पानी मेरी पीने की आदत भी थी, और कोशिश ये भी करती हूँ कि डेली टाइम नहीं मिलता तो एक साथ भी उबाल के रख देती हूँ, डेली थोड़ा थोड़ा निकाल के गर्म पानी के साथ मिला के पीती हूँ। एंड सरप्राइजिंगली मुझे एक्चुअली 2020 में एक ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा एक तरह का पेन स्टार्ट हुआ था, बीइंग फीमेल्स, हमारी कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण या जो भी चेंजेस आती है हमारी हार्मोनल एट सम एज। तो मुझे कई डॉक्टर्स ने अच्छे खासे, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन अच्छे खासे हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने मुझे कहा था ये एक टाइप के अर्थराइटिस है, और दूसरी बात है वो इंजेक्शन्स जो लगते हैं ऑपरेशन के दौरान, इसीलिए ये दर्द अभी रहेगी, आप दवाई खाओ और ठीक हो या ना हो आराम मिलेगा फिर शुरू होगा। मैं वही सोच के एक्चुअली 2 साल बिताई दवाई खा खा के, कि जब बहुत दर्द मतलब सहन के बाहर होते थे मैं दवाई ले लेती थी, और उसके बाद मैं सोचती थी कि शायद ये अब तो आदत पी जाए, इसको लेके ही चलना पड़ेगा। मोरिंगा के सेवन के बाद से मेरे लिए सरप्राइजिंग एक्चुअली रहा कि वो 2 साल का दर्द गायब ही हो गया है। मुझे पता भी नहीं है अभी कि मुझे किस पॉइंट में पेन होती थी, और बॉडी के अलग अलग जो पेन्स है सब कुछ में मेरे को बहुत रिलीफ मिला है। एंड आई एम रियली थैंकफुल ऑनेस्टली टू यू, क्योंकि मैं भी ये तो ज़रूर सोचती हूँ कि नेचुरल जो चीज़ों में जो इम्पैक्ट या इफेक्ट होता है वो दवाइयों से तो कभी नहीं होता है, दवाइयाँ उस टाइम भी रिलीफ देती हैं, इन जनरल प्रॉब्लम्स और बढ़ाती है, आई स्ट्रॉन्गली बिलीव दैट। लेकिन मोरिंगा इज एक्चुअली वेरी यूजफुल, एवरी फीमेल शुड टेक, मेल और फीमेल, लेकिन फीमेल्स को लिए ज़्यादा ज़रूरत है मुझे जितना अंडरस्टैंडिंग है। और वो उबाल के पानी पी लो और वो पत्ते को सब्जियों में डाल दो तो पता भी नहीं चलता, मतलब जीरो वेस्टेज, और पत्ते उगलने में टाइम भी नहीं लगते, बस पानी देना होता है टाइम पे, और वो पत्ते टेस्ट भी इतना बुरे नहीं है कि आप नहीं खा सको, एकदम प्रॉपर है एंड इज़ वेरी यूजफुल नो डाउट। एंड आई एम ऑनेस्टली थैंकफुल टू यू कि मैं ये पेन्स ठीक हो गया, और नॉट ओनली पेन्स, मुझे लगता है कि एनर्जी भी फील होता है, आप रिज्यूनेट फील करते हो कि आप डेली अगर लेते हो तो, हाँ लेते ही साथ में अगर अगले दिन एक्सपेक्ट करूँगी कि मैं एकदम से ठीक होगी, वैसा नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा कि मैं कंटिन्यू लूँ तो मेरे बॉडी में वो चेंजेस डेफिनेटली पता चलता है, 101% श्योर। और ठीक है, मैंने सुना है कि जो जैसा भी है वीडियो कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसको प्लांट होगल में काम में लेते हैं, सप्ते में 2 दिन, और जब मैंने पूरा इसका एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि केएस से ज़्यादा पोटेशियम 17 गुना ज़्यादा है। इसी तरह मैंने इसके अंदर और भी देखे हैं, फॉस्फोरस देता है, वो देता है, इसके अंदर सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा है जो हमारे लिए, सब लेडीज के लिए, आयरन सबसे ज़्यादा है इसमें, यदि गाजर से 15 गुना ज़्यादा इसमें आयरन है, या हर चीज़ में आयरन हो चाहे पोटेशियम हो चाहे फॉस्फोरस, सभी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। और ये बच्चों से लगा के ओल्ड पर्सन तक सबके लिए, सभी के लिए, लेडीज को तो लेनी चाहिए इसको। तो आपने बहुत अच्छी बताया कि ये मोरिंगा हमारे लिए बहुत ही काम का है, और मेरे ख्याल जो भी वीडियो देखेंगे वो इसका उपयोग जरूर करेंगे, चाहे किसी भी रूप में ले, चाहे इसके प्लांट बना के ले, चाहे सुबह उबाल के ले, चाहे चाय के रूप में, बहुत सारे इसको चाय भी लें तो चाय के रूप में भी काम में ले सकते हैं। तो फिर सारी इसके हैं वो ले सकते, इसके ऊपर क्या काम आती है, इसके जो फल है फली है वो क्या है कि लोग सांपर के अंदर आके सब्जी बना के काम में लेते हैं, इसकी छाल काम आती है, इसका हर एक चीज़ काम में आता है। तो आपने मुझे मोरिंगा के बारे में बताया कि डॉक्टर बहुत सारा मुझे ये बताया लेडीज ने कि डॉक्टर मेरा इलाज नहीं कर पाया और सिर्फ ये मोरिंगा मेरा इलाज हो पाया, और ये आपने मुझे बताया और सब लोग ये बता रहे हैं। मैं भी कई लेडीज को अभी इनकरेज करती हूँ कि प्लीज सब छोड़ो, एक साइड रखो, इसके सेवन शुरू करो, आपको खुद ही चेंज पता चल जाएगा, किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है। एंड इससे आसान तरीका क्या हो सकता है कि हम घर में पत्ते उगाए उबारे और पिए, इससे आसान तरीका तो कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच, आपकी बहुत मैं आभारी हूँ ये गाइडेंस देने के लिए। लोग देखेंगे और मेरे ख्याल है कि लोग इसको उपयोग करेंगे तो इसका फायदा होगा। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।